गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉसिबिलिटी के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग उसके निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर की निगेटिव पॉसिबिलिटी को हम मे नाट और माइट नाट का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। इसमें हम कुड नाट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट और प्लस नाट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस नाट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो स्ट्रक्चर हैं, इनसे हम लोग बना सकते हैं। पहला है, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है, तो ऐसे वाक्य में नहीं भी का सेंस आता है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इट मे, अगर ज़्यादा संभावना दिखाना है कि नहीं हो सकती है तो मे का प्रयोग करेंगे, कम दिखाना है तो माइट का प्रयोग करेंगे। तो इट मे या माइट नॉट रेन टू नाइट, टू नाइट माने आज रात। दूसरा है, वह आज शाम नहीं भी लौट सकता है, यानी लौट भी सकता है नहीं भी लौट सकता है, दोनों संभावना है। तो ही मे नॉट रिटर्न दिस एवनिंग, और ही माइट नॉट रिटर्न दिस एवनिंग, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, जैसे आपको संभावना लग रही है कम या ज़्यादा। वह चोर नहीं भी हो सकता है, तो ही मे नॉट बी अ थीफ, और इसी को हम माइट से भी कर सकते हैं, ही माइट नॉट बी अ थीफ। यह समाचार सत्य नहीं भी हो सकता है, इसको हम बनाएंगे, दिस न्यूज मे नॉट बी ट्रू, और इसको माइट से ही बना सकते हैं, दिस न्यूज माइट नॉट बी ट्रू। यह समाचार सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं भी लगा हुआ है इसमें। वह अब नहीं भी आ सकता है, तो ही मे नॉट कम नाउ या ही माइट नॉट कम नाउ, जैसी आपको संभावना लगती है कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से मे या माइट का प्रयोग यहाँ करेंगे। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन मे नॉट एंड कैन नॉट, मे नॉट और कैन नॉट में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। मे नॉट का प्रयोग इम्प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना नहीं लेकिन संभावना है भी को व्यक्त करता है, जबकि कैन नॉट का प्रयोग इम्पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं को व्यक्त करता है, मतलब असंभव। वह नहीं भी आ सकता है, तो ही मे नॉट कम या ही मे माइट नॉट कम, ऐसे बनेगा। कार्य होने की संभावना रहने पर हिंदी वाक्यों में नहीं भी का प्रयोग होता है, और संभावना बिल्कुल भी नहीं रहने पर केवल नहीं का। नहीं भी मतलब मे नॉट और नहीं मतलब कैन नॉट। तो आज शाम में वह नहीं लौट सकता है, तो सिर्फ नहीं लौट सकता है, एकदम संभावना है, प्रबल संभावना है कि नहीं लौट सकता है, मतलब नहीं लौटेगा, असंभव है उसका लौटना जो है, तब यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ही कैन नॉट रिटर्न दिस एवनिंग। वह नहीं आ सकता है, मतलब एकदम असंभव है उसका आना जो है, नहीं आ सकता है, तो ही कैन नॉट कम यहाँ पे होगा। तीसरा है, समाचार सही नहीं हो सकता है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है, असंभव है जो है, सही होना असंभव है, तो वहाँ पे द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, यानी अन्य संबंधित परिस्थितियाँ यह इंगित करती हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो इंगित कर रही हैं कि सही नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तुम पानी के रास्ते नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ तक पानी का रास्ता ही नहीं है, तो ये असंभव है जाना, तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यू कैन नॉट गो देयर बाई वाटर, कैन और नॉट को सटा के लिखेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। मे का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, तब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में सामान्यतः मे का प्रयोग नहीं होता है। जब संभावना के लिए होगा तो मे का प्रयोग शुरू में नहीं किया जाएगा। मे का प्रश्नवाचक रूप होता है कैन, कैन से हम
प्रश्न कर सकते हैं जो संभावना के केस में, जैसे इट मे रेन टू नाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। तो अगर हमको क्वेश्चन पूछना हो कि क्या आज रात वर्षा हो सकती है, तो हम मे का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे कि कैन इट रेन टू नाइट, क्या आज रात वर्षा हो सकती है। अंग्रेजी में कैन का कोई रूप फ्यूचर टेंस के लिए नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस बताने के लिए, फ्यूचर टेंस में इसका कोई रूप होता नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस बताने के लिए इसको डू यू थिंक और प्लस असर्टिव जो सेंटेंस होगा वो लगाएंगे, या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइकली प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर रहता है क्या प्लस कर्ता प्लस धातु वर्ब प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इस तरह से रहता है। तो इसका बनता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू लगाए इन्फिनेटिव, एक इस स्ट्रक्चर से बन सकता है। दूसरा डू यू थिंक प्लस असर्टिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस यहाँ पे लगेगा। तीसरा है इज या आर फिर सब्जेक्ट फिर लाइकली फिर नाउन या एडजेक्टिव या इन्फिनिटिव, तीनों में से कोई। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहला है क्या वह झूठ बोल सकता है, तो हम कैन से बना सकते हैं इसको, कैन ही टेल अ लाई, क्योंकि इस सेंटेंस इस वाक्य की शुरुआत क्या से है, इसलिए कैन को हम सबसे पहले लिख देंगे, कैन ही टेल अ लाई, या इसी को हम डू यू थिंक ही विल टेल अ लाई, असर्टिव सेंटेंस इधर बनेगा और भी फ्यूचर टेंस में बनेगा, तो डू यू थिंक ही विल टेल अ लाई, या हम इज ही लाइकली और टू टेल अ लाई, यहाँ इन्फिनेटिव लगा हुआ है, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा है क्या कीमतें गिर सकती हैं, तो या क्या कीमतें गिर सकेंगी, सकेंगी या सकती हैं, ये सब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है, तो कैन से बनेगा कैन प्राइजेस फॉल, या डू यू थिंक प्राइजेज विल फॉल, या आर प्राइजेज लाइकली टू फॉल, ये तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्या वह चोर हो सकता है, तो कैन ही बी अ थीफ, कैन उठा के पहले कर देंगे क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से है। क्या यह समाचार सच हो सकता है, कैन दिस न्यूज बी ट्रू। पांचवा है क्या वह घर पर हो सकता है, क्या उसके घर पर होने की संभावना है, चाहे जिस भी प्रकार से सेंटेंस बोला जाए, लेकिन जो है ये कैन से या डू यू थिंक से या इज ही लाइकली स्टार्ट होगा। तो कैन ही बी एट होम, या इज ही लाइकली टू बी एट होम, या डू यू थिंक ही विल बी एट होम, इन तीनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब मे का प्रयोग किया जा सकता है, वहां मे का प्रयोग किया जा सकता है, जब जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या है बीच में आया हुआ है, उसके क्या करने की संभावना है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट मे ही डू, यहाँ मे का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट से पहले। उसके कब आने की संभावना है, वेन मे ही कम, यहां सब्जेक्ट से पहले मे का प्रयोग हुआ है। वैसे इन वाक्यों में भी मे के स्थान पर डू यू थिंक अथवा इज आर लाइकली टू का ही अधिक प्रयोग किया जाता है, इन सब में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा कर के मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।